brought to you by Infinix. राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा पता चलने के बाद रिसेप तय्यप एर्दोगान ने राजधानी अंकारा में कहा, Tefeciler olacak demiştik. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir fert kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. तुर्की में 28 मई को राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरे राउंड की वोटिंग कराई गई थी। पहले राउंड की वोटिंग में किसी भी उम्मीदवार ने 50% वोटों का आंकड़ा नहीं छुआ था। पहले दो नंबर पर थे मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान और तुर्की के गांधी कहे जाने वाले केमाल कोडोग्लू। उनके बीच दूसरे राउंड में मुकाबला हुआ। सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट घोषित नहीं किया है। फाइनल रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हालांकि गैर आधिकारिक नतीजों में एर्दोगान जीत चुके हैं। उन्हें लगभग 52% वोट मिले हैं। कोडोग्लू 48% वोटों के साथ रनर अप हैं। एर्दोगान पिछले 20 सालों से तुर्की की सत्ता में हैं। पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने सरकार में अपनी पकड़ मजबूत की है। इस बरस के चुनाव में पहली बार उनकी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही थी। महंगाई, फरवरी 2023 का भूकंप, कमजोर अर्थव्यवस्था और निरंकुशता जैसे मसलों पर उन्हें घेरा जा रहा था। चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में भी उनका जीतना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में उनकी जीत बहुत लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। आज के शो में हम समझेंगे इतने मुद्दों के बावजूद एर्दोगान ने सत्ता पर अपनी पकड़ कैसे बनाकर रखी और एर्दोगान की जीत से तुर्की और दुनिया की राजनीति में क्या कुछ बदल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां कहानी तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव की। तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी राज्य सभी धर्मों को समान नजर से देखता है। फिर भी एर्दोगान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता माना जाता है। इसकी वजहें कई हैं। मसलन, नेटो में होने के बावजूद उन्होंने रूस से रिश्ता रखा है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्हें सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों ने भी एर्दोगान को बधाई संदेश भेजा। मतलब तुर्की ने दोनों तरफ से रिश्ता बनाकर रखा है, वो भी अपनी शर्तों पर। ये एर्दोगान की विदेश नीति की कामयाबी है। स्वीडन को नेटो में शामिल करने का फैसला उन्हीं की हामी पर टिका है। उन्हीं की मध्यस्थता के बाद रूस ने यूक्रेन के अनाज की सप्लाई पर लगा प्रतिबंध हटाया था। इन सबके अलावा एर्दोगान एक दफा अपने खिलाफ तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर चुके हैं और उनके समर्थक उन्हें मसीहा से कम नहीं मानते। फरवरी 1954 में कोस्ट गार्ड पिता के घर पैदा हुए एर्दोगान का बचपन संघर्षों में बीता। उनके कुल 5 भाई बहन थे। उन्हें अच्छी परवरिश देने के इरादे से परिवार इस्तांबुल आ गया। वहाँ एर्दोगान ने अपना खर्च चलाने के लिए जूस और पाव रोटी बेचा। उन्होंने एक इस्लामी स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उनके क्लासमेट्स उन्हें टीचर कहकर बुलाते थे। स्कूल के वक्त में उनका संपर्क मिल्ली तुर्क तालिब बर्लीजी नामक संगठन से हुआ। अंग्रेजी में इसको नेशनल टर्किश स्टूडेंट मूवमेंट कहा जाता था। ये वामपंथी विचारधारा की मुखालफत करता था। कहा जाता है कि यहीं से एर्दोगान का राजनीति की तरफ रुझान बढ़ने लगा। हाई स्कूल के दौरान उन्हें नेशनल साल्वेशन पार्टी इस्तांबुल नाम के यूथ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया। बाद में उन्होंने मरमारा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ से मैनेजमेंट की डिग्री ली। 1970 और 1980 के दशक में उनका पाला प्रो इस्लामी पार्टियों से पड़ा। ऐसे में एक वेलफेयर पार्टी थी। ये पार्टी तुर्की को इस्लामी देश बनाने का इरादा रखती थी। एर्दोगान ने पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी पार्टी के टिकट पर एर्दोगान ने 1994 में इस्तांबुल के मेयर का चुनाव जीता था। साल 1996 में वेलफेयर पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन 2 बरस बाद ही पार्टी पर बैन लगा दिया गया। एर्दोगान ने इसी पार्टी के टिकट पर 1994 में इस्तांबुल के मेयर का चुनाव जीता था। दिसंबर 1997 में एर्दोगान के साथ एक बेहद दिलचस्प घटना हुई। एक सभा में उन्होंने जिया गोल्ब की एक कविता पढ़ी। कविता पढ़ने के लिए उन्हें 4 महीने की जेल हुई। उस कविता के बोल थे, मस्जिद हमारे बैरक हैं, गुबंद हमारे हेलमेट हैं, मीनारें हमारा भाला हैं और मजहब में विश्वास रखने वाले लोग हमारे सैनिक हैं। इसके बाद एर्दोगान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। मेयर के पद से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जेल से छूटकर वापस आए तो वेलफेयर पार्टी बंद हो चुकी थी। एर्दोगान ने तब वर्च्यू पार्टी ज्वाइन की। कुछ समय बाद इस पर भी बैन लग गया। फिर उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AK पार्टी बनाई। इसमें भी वर्च्यू और वेलफेयर पार्टी से निकले लोग शामिल हुए थे। 2002 में आग पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया, मगर एर्दोगान खुद संसद नहीं जा पाए 1998 में मिली सजा के कारण। फिर उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। 14 मई 2003 को एर्दोगान ने तुर्की के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। और फिर आया 2013 का साल।
इस्तांबुल में एक पार्क में बदलाव के प्लान पर भारी प्रोटेस्ट हुआ। जल्द ही ये प्रोटेस्ट सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। उसी समय अर्दोगान और फतेहुल्लाह गुलेन के बीच तकरार शुरू हुई। 2013 से पहले हुए चुनावों में गुलेन ने अर्दोगान को सपोर्ट किया था, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद दोनों का रास्ता बदल गया। 2014 में अर्दोगान पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। वो पीएम के तौर पर चौथा टर्म नहीं ले सकते थे, इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वो जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने पर जोर दिया। साल 2016 में अर्दोगान के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश नाकाम हो गई। अर्दोगान ने आरोप लगाया गुलेन के समर्थकों ने कुर्सी से उतारना चाहते हैं। इसके बाद गुलेन से जुड़े लोगों को किनारे किया जाने लगा। विरोध की गुंजाइश बेहद कम कर दी गई। फिर अर्दोगान नया सिस्टम लेकर आए। इसके तहत प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया। जनमत संग्रह के जरिए राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां दे दी गईं। इसके बाद राष्ट्रपति ही सरकार और राज दोनों का मुखिया बन गया। 2018 में हुई व्यवस्था में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें अर्दोगान ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद वो निरंकुश होकर सामने आए। उनके ऊपर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का हनन करने के आरोप भी लगे। इस बीच मुल्क में चल रहा आर्थिक संकट गहराता गया। अर्दोगान सीरियाई शरणार्थियों को लेकर भी उदार रहे। यूरोपियन यूनियन ने 2016 में अर्दोगान के साथ एक डील की थी। तुर्की ने पैसे और कुछ रियायतों के बदले सीरियाई शरणार्थियों को अपने यहाँ रोकने की बात मान ली थी। तब से शरणार्थी संकट लगातार बढ़ रहा है। तुर्की की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन शरणार्थियों को वापस भेजना चाहता है। फिर फरवरी 2023 में तुर्की में भयानक भूकंप आया। इसमें 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। अर्दोगान सरकार पर ढिलाई बरतने का इल्ज़ाम आया। इन सबके बीच केमाल कोडोग्लू लगातार अपना कद बढ़ा रहे थे। केमाल महंगाई कम करने, शरणार्थियों को वापस भेजने, लोकतंत्र की तरफ लौटने जैसे वादों के साथ पॉपुलर हो रहे थे। उन्होंने 6 पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया था। इस गठबंधन के नेता के तौर पर उनकी जीत तय मानी जा रही थी, मगर नतीजों ने उनका सपना तोड़ दिया है। केमाल ने आरोप लगाया है ये अब तक का सबसे भ्रष्ट चुनाव था। बोले, लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। तुर्की इस समय महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बावजूद उनका जीतना क्या दर्शाता है? हमने ये सवाल अंकारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उमर अनस से पूछा। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। तुर्की में जो आइडियोलॉजिकल डिविजन है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है वो भी सबको पता है, और प्लस वहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया है वो उसका उसूल ये है कि 50%+ आने चाहिए जिसको भी जीतना है। अब अगर आप ये देखें कि थ्योरेटिकली अगर 50+ आपको सीट्स चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए, तो आपको बहुत सारे गिव एंड टेक करने होंगे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे, यानी 50% सोसाइटी को आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो एकोमोडेट करने का जो एक्सपीरियंस है वो एर्दोगान का ज्यादा है। उन्होंने पुराने उससे कुर्दों को अपने साथ शामिल कर लिया था, नेशनलिस्ट लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया था, इस्लामिस्ट भी उनके साथ थे, प्रो यूरोपियन यूनियन उनके साथ थे, प्रो रशियन उनके साथ थे, प्रो अमेरिकन उनके साथ, वो एक्सपीरियंस उनके साथ ज्यादा था। जब लास्ट उसमें 2 चुनाव रह गए कि सिर्फ कमाल किलिचदारोग्लू और ये रहेंगे, तो उन दोनों में किलिचदारोग्लू वो उस बैलेंस को बना नहीं पाए, वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं दे पाए, क्योंकि जो उनकी जेहपे पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही आइडियोलॉजिकली जो समझौता नहीं करती है वैसी है, केमालिस्ट है, यानी कि हिजाब को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, मजहब को लेकर के अभी भी उनके यहाँ बहुत रिजिडिटी पाई जाती है, बहुत सख्ती पाई जाती है। तो उन लोगों ने वो बहुत ढंग से उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ऐसा कैसे कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि उस मामले में लोगों ने एर्दोगान के ऊपर ज्यादा भरोसा किया कि अगर एर्दोगान की हुकूमत आएगी तो जितने भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं तो उनको जो एक सोशल जस्टिस मिलने की उम्मीद होती है वो इनके साथ मिलने के चांसेस होते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस सही बात है कि बहुत सारी खराब रही है, और जो जलजला आया था, भूकंप आया था, एक समस्या आई थी, लेकिन इसके साथ साथ एर्दोगान का जो बैकग्राउंड है पिछले 20 सालों का वो डिलीवर करने का ज्यादा रहा है। तो जब जलजले वाले क्षेत्र में उन्होंने जाके कहा कि हम आपको 1 साल में जिसके जिसके घर टूटे हैं तो हम बनाकर दे देंगे, अब जब उन लोगों को ये विश्वास करना हो कि किसके ऊपर हम विश्वास करें, कमाल किलिचदारोग्लू पर या इन पर, तो पहली चॉइस उनकी कमाल किलिचदारोग्लू की बजाय एर्दोगान क्या आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जल्दी डिलीवर करके दे सकते हैं। इसमें एक फैक्टर फिर ये आ गया कि तुर्की में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक साथ होता है, तो जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट राउंड में ही रिजल्ट आ गए, और उसमें ये मालूम हो गया कि पार्लियामेंट में जो अक्सरियत है वो इनके पास रहेगी, 340 सीट के आसपास।
तो अब दूसरे पार्टी के किसी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना ये समझदारी की बात नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कि 5 साल वो टेंशन में रहता। पार्लियामेंट में अक्सरियत किसी के पास है, बहुमत किसी के पास है, और प्रेसिडेंट किसी का, इसका मतलब है हमेशा टकराव की एक नौबत रहती। तो लोगों को ये लग गया, हाँ ये हो सकता था कि अगर वो पार्लियामेंट में बहुमत ले लेते तो शायद अपोजिशन कैंडिडेट के लिए जीतना ज्यादा आसान होता। अर्दोगान 20 साल से तुर्की की सत्ता में बने हुए हैं, इतने लंबे वक्त तक सत्ता में वो कैसे बने रहे? देखिए, इसमें तुर्की में जब रजब तैयब एर्दोगान 2002 में पहली मर्तबा अपना इलेक्शन जीत के आए, तो उस वक्त बैकग्राउंड ये था कि तुर्की की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी, और कोलिशन गवर्नमेंट 4 महीने, 8 महीने, 1 साल चलती थी और टूट जाती थी। और जो मिलिट्री का इंटरवेंशन था वो बहुत ज्यादा था, हर 2 साल 5 साल पे एक मिलिट्री कू हो जाता था, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, और प्लस पॉलिटिशियंस इतना ज्यादा डिवाइडेड थे कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाते थे। और उसके बाद पूरा जो टर्की था वो एक मिसमैनेजमेंट का शिकार था। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये था कि टर्की में जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड थे वो बहुत स्ट्रांग थे। अगर कोई कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव है, अगर कोई केमालिस्ट है तो बिल्कुल लाइफ टाइम का केमालिस्ट है, तो उनके लिए आइडियोलॉजिकल लाइन पर स्विच करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पार्टियां जो थी वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल लाइन पर ही बनी हुई थी। जब एर्दोगान ने नई पार्टी लॉन्च की जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी थी, तो वो सबसे पहले एक ऐसी पार्टी बनकर के आई जो जिसने कहा कि हमारी एज सच कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो हम जितने भी लोग हैं वो सब इस्लामिस्ट बैकग्राउंड के आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रो वेस्टर्न रहेंगे, प्रो यूरोपियन यूनियन रहेंगे, हम वो सारे रिफॉर्म्स लाएंगे जो यूरोपियन यूनियन के लिए जरूरी है, और हम एक न्यू लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। वो एक ऐसा नारा था कि जिसमें एक केमालिस्ट के लिए भी आना बहुत आसान था, एक नेशनलिस्ट के लिए भी आना आसान था, और एक इस्लामिस्ट के लिए भी वहां पर एकोमोडेट करना आसान था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एके पार्टी उस जमाने में एक ऐसी पार्टी बनकर के उभर के आई जिसमें सभी तरह के लोग आराम से समा सकते थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन था कुर्दों का, कि कुर्दों का क्या होगा, तो एर्दोगान ने उस जमाने में 2002 में वादा किया कि अगर हम हुकूमत में आए तो कुर्दिश लैंग्वेज के स्कूल्स हम अलाउ करेंगे, कुर्दिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स अलाउ करेंगे, कुर्दिश लैंग्वेज के पब्लिकेशंस हम अलाउ करेंगे। ये एक ऐसा पहली मरतबा प्रॉमिस था टर्किश हिस्ट्री में कि कोई नॉन टर्किश लैंग्वेज को पहली मरतबा अलाउ करने की बात करी जा रही थी। बहुत सारी जगहों पर जो बैन लगा हुआ था, जैसे हेड स्कार्फ का बैन, लड़कियां ऑफिसेज नहीं जा सकती थी, मेडिकल कॉलेज में जाती थी तो उनको निकाल दिया जाता था, एर्दोगान ने कहा कि अगर हम बनेंगे तो ये भी काम हम करेंगे। तो एक एक कॉलिशन सोशल इंजीनियरिंग ऐसी थी एर्दोगान की कि वो सभी लोगों को अपील कर रहा था। और प्लस ये था एर्दोगान का कि उन्होंने 1996 में जब इस्तांबुल का मेयर का इलेक्शन जीता था, तो इस्तांबुल की जो भी हालत उस वक्त थी, अगर आप बहुत सारे मीडिया चैनल्स की उस जमाने की डॉक्यूमेंट्री देखें तो उस जमाने में बड़ी खराब हालत में एक थर्ड वर्ल्ड का एक सिटी जैसा होता है वो वैसा था। लेकिन जब एर्दोगान ने उसको अपने हाथ में लिया तो $3.5 बिलियन का पूरे इंटरनेशनल लेवल से उनके पास इन्वेस्टमेंट आया, और वो बहुत चेंज कर दिया। इस वजह से लोगों को ट्रस्ट हो गया कि एर्दोगान की लीडरशिप में एक अगर नई पार्टी आई है तो कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, और इसीलिए लोगों ने जम करके वोट दिया, और 34% वोट पिछले यानी 20-25 सालों में पहली मरतबा किसी को 34% वोट मिले, और 340 के करीब पार्लियामेंट। इसके बाद से तुर्की में 2002 से लेकर के 2023 तक की कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट उस तरह की नहीं आई। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग का की कामयाबी है जो एर्दोगान ने एक तुर्की के जैसे देश में ऑफर किया था। सर्वे में बढ़त, जरूरी मुद्दों पर पकड़ और लोकतंत्र के बावजूद केमाल क्यों हारे? सुनिए। मैं इसको ऐसे नहीं कहता कि वो सचमुच में हार गए हैं, क्योंकि 52% वोट मिला है एर्दोगान को और 47% मिला है किलिचदारोग्लू को, ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 30% मिला होता तो हम कहते हैं कमाल किलिचदारोग्लू पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर हैं, और उन्होंने बहुत पिछले 10 सालों में एर्दोगान के खिलाफ बड़ी हवा बनाई और बहुत संघर्ष किया, बड़े आंदोलन किए, बहुत पॉपुलर हुए, और काफी एक टेंशन उन्होंने खड़ा कर दिया एर्दोगान के खिलाफ। ये मैं समझता हूँ कि टर्की की हिस्ट्री में 47% वोट उनको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो मैं इसको नहीं कहता कि ये पूरी तरह से वो हार गए हैं, उन्होंने एक जो टेम्पो बनाना होता है, मोमेंटम बनाना होता है, वो बना लिया था, लेकिन वो 2-3% वाला जो गेम है वहां पर वो इसलिए रह गए, कई सारे फैक्टर उसमें, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब आदमी डिसाइड करता है कि क्या करें, जैसे जब वो सेकेंड राउंड में गए तो पहले वो कह रहे थे कि नहीं हम सबको एकोमोडेट करेंगे, हम राष्ट्रवादियों को भी साथ में रखेंगे, कुर्दों को भी साथ में रखेंगे और कुर्दिश नेताओं के साथ जाकर के फोटो खिंचाई, लेकिन जब अगले राउंड में गए तो मालूम हुआ कि जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने ज्यादा वोट ले लिया है, 5% आ गया है। अब उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने खतरनाक तौर से सीरियन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और बिल्कुल वही भाषा बोलने लगी जो बहुत अग्रेसिव राष्ट्रवादी नेता बोलते हैं। उससे कुर्दिश जो लोग हैं वो डर गए कि ये तो इतनी जल्दी यू टर्न मार रहे हैं, अभी हमारे लिए बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन एक ही राउंड में वो प्रो नेशनलिस्ट हो गए। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अगर ये जीत गए तो जो नेशनलिस्ट नेता है उनका प्रेशर इनके ऊपर ज्यादा रहेगा, वो डर गए। तो आप देखेंगे जितने भी कुर्दिश पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं वहां पर उनके वोट परसेंटेज कम हो गए, और वो जो 3% 2% का जो 3% का जो मार्जिन है वो उसी इलाकों से ज्यादा होकर आया है। दूसरा ये भी है कि कमाल कलीसदारोलू ठीक है बहुत ही मंझे हुए नेता थे, लेकिन उम्र जो है उनकी एज जो है वो उनके फेवर में नहीं थी, वो एर्दोगान से उम्र में भी बड़े हैं, वो यंग लोगों को कह रहे थे कि आओ हमारे पर भरोसा करो, तो आपसे ज्यादा तो एर्दोगान यंग है और यंग लोगों को अट्रैक्ट करने में एर्दोगान ज्यादा आगे निकल गए, हालांकि वो ज्यादा प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन वो अगर उनकी जगह पर अपोजिशन में से कोई दूसरे लोग खड़े होते जो ज्यादा यंग होते, जैसे इस्तांबुल के जो मेयर हैं या अंकारा के जो मेयर हैं, अगर वो खड़े होते तो शायद अच्छे चांसेस होते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही क्लोज फाइट थी और बहुत अच्छी फाइट थी, और इसलिए बहुत अच्छी फाइट थी लोकतंत्र के लिए क्योंकि कमाल कलीसदारोलू ने जो नारे उठाए, जो मुद्दे उठाए, ये पूरा जो इलेक्शन था वो बहुत ही अच्छे मुद्दों पर लड़ा गया कि जो सैलरीज हैं उनको बढ़ाया जाए, जो मदद की बात है वो की जाए, तो इतना प्रेशर हो गया एर्दोगान पर कि इलेक्शन के दौरान ही एर्दोगान ने वो सारे डिमांड्स जो कलीसदारोलू ने उठाए वो उन्होंने मान लिए, जैसे कहा कि सारे सरकारी नौकरियां जो हैं उनकी सैलरी 20,000 टर्किश लीरा होनी चाहिए, उन्होंने वादा कर लिया कमाल कलीसदारोलू ने। एर्दोगान ने अगले हफ्ते ऐलान कर दिया कि वो 22,000 कर देंगे, 2,000 और ज्यादा, तो ये जनता के लिए बड़ा अच्छा हो गया इस तरह का एक फाइट होना। तो मैं समझता हूँ कि टर्किश डेमोक्रेसी जो है वो इस इलेक्शन के बाद ज्यादा बेहतर हो गई है और ज्यादा वाइब्रेंट हो गई है। अर्दोगान को अगले 5 सालों के लिए तुर्की की चाबी मिल गई है। क्या नए कार्यकाल में उनकी विदेश नीति में कोई बदलाव आएगा? सुनिए। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि वो एक खुद एक परिवर्तन उन्होंने पहले से लेकर आ चुके हैं कि पूरा तुर्की जो एक प्रो वेस्टर्न कंट्री कहलाता था तो उस डायरेक्शन से उसको उन्होंने निकाला, बल्कि वो ये नारा लगाते रहे हैं कि हम अपने देश को जो पश्चिमी देशों पर उसकी जो डिपेंडेंसी है उससे हम बाहर निकाल के लाएंगे। वो ये बार बार कहते हैं कि अब हम कोई एक भी हथियार जो है हम वेस्टर्न कंट्री से लेने के बजाय हम खुद बनाएंगे, और हम वेस्टर्न कंट्रीज पर किसी चीज में भरोसे पे नहीं रहना चाहते। जब वो ये नारा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से बियॉन्ड जाना चाहते हैं, तो ऐसे में इसके लिए बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आप दूसरे देशों के साथ संपर्क करें, जैसे रशिया के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली तो रशिया के साथ दोस्ती करने में उनको बड़ा फायदा हुआ कि अजरबैजान जैसा मसला बहुत दिनों से पड़ा हुआ था वो सॉल्व हो गया, सीरिया में बहुत सारी परेशानियां थी तो रशिया के साथ मिलकर के तुर्की ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई, बिल्कुल सॉल्यूशन के एक एक स्टेज पर सारी चीजें आ गई। तो तुर्की को ये बात, एर्दोगान को ये बात मालूम हो गई कि इस वक्त अगर हम रशिया के साथ मिलकर के चलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसको हल करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो डिक्टेट ज्यादा करते हैं, कोऑपरेट कम करते हैं, और इसको एर्दोगान से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि एर्दोगान जब उठे थे तो उनकी जो उठान है वो एक प्रो पश्चिमी यानी कि प्रो यूरोपियन प्रो अमेरिकन लीडर के तौर पर हुई थी, तो वो एक मर्तबा के धोखा खाए हुए हैं, तो तजुर्बा किया हुआ है कि अगर हम बहुत ही प्रो अमेरिकन रहते हैं प्रो यूरोपियन रहते हैं तब भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वो एक जब कमाल कलीसदारोलू ने अपोजिशन के कैंडिडेट ने कहा कि नहीं हम रशिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, तो वो जो फौज में और एलीट क्लास में जो लोग थे उनको ये समझ में आ गया कि अगर ये दोबारा प्रो पश्चिम प्रो
अमेरिकन कंट्री बनाना चाहेंगे तो ये उसमें फेल हो जाएंगे और इनको उसमें कुछ मिलेगा नहीं, स्पेशली जबकि उधर से कुछ प्रॉमिस हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस बात को विश्वास किया कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में एर्दोगान का जो मत है वो ज्यादा बेहतर है और उसमें ज्यादा कामयाबी मिली। और वो इंटरनेशनल मीडिया को देखें, डिप्लोमेसी को देखें, तो सारी हेडलाइंस में यही कहते हैं कि एर्दोगान ने तुर्की को एक वर्ल्ड स्टेज पर ला करके सचमुच में खड़ा किया है। अच्छे कारण भी हैं, खराब कारण भी हैं, लेकिन एक ऐसा देश हो गया है जो जिसको हम कहते हैं जिसको आप नजरअंदाज अब नहीं कर सकते, आपको उससे किसी न किसी मामले में सलाह लेनी पड़ेगी। आप सीरिया में कोई भी काम तुर्की को साथ में लिए हुए आप हल नहीं कर सकते, आप अजरबैजान में तुर्की को साथ में लिए बगैर कोई काम नहीं कर सकते, आप लीबिया में कोई भी सोल्यूशन तुर्की को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे देश होते जा रहे हैं जहां पर तुर्की एक मजबूत स्थिति में बन चुका है। भारत और तुर्की के बीच ऐतिहासिक संबंध रहा है, हालांकि कई मुद्दों पर तुर्की और भारत के बीच तकरार होती है। अर्दोगान की जीत से इस रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तुर्की का एर्दोगान के साथ भी और पूरा तुर्की जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी इस माने में है कि एक ऐसा देश उभर करके सामने आ रहा है जो है तो वेस्टर्न, लेकिन अब वो वेस्टर्न चंगुल से बाहर निकल रहा है और उसके पास अपनी ताकत है, अपनी पॉपुलेशन है और क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी जगह पर लोकेशन जहां पर वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो एक ऐसे देश, उभरते हुए देश के साथ होना, उसके साथ दोस्ती रखना हर हाल में भारत के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर जो गहरे मतभेद हैं उन मतभेदों का दूर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये मतभेद कोई आज के जमाने के नहीं, बहुत पुराने हैं, काफी पहले से चल रहे हैं और इन मुद्दों पर दोनों देश के नेता बहुत पहले से बार बार बातचीत करते रहे हैं और उस बातचीत में दोनों के बीच में समझदारी बनी हुई है कि भाई देखिए हम आपके जख्मों को कुरेदेंगे नहीं, आप हमारे जख्मों को ना कुरेदें, और हम आपके इलाके के मुद्दों पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आप भी हमारे इलाके के मुद्दों में छेड़छाड़ ना करें। ये समझदारी पहले बनी थी जब 1994 के आसपास जब मामला था तो भारत साइप्रस के मुद्दे पर नहीं बोलता था और तुर्की कश्मीर के मामले पर अपनी टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन इधर कई सालों में वो समझदारी जो बनी हुई थी इनफॉर्मल वो टूट गई है। तो भारत भी इस को नोटिस में लेता है कि अगर तुर्की बार बार कोई बयान देता है तो भारत उसको सख्ती के साथ उसका जवाब देता है ताकि वो इंटरनेशनल स्टेज पर वो क्लैरिटी मेंटेन हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है, लेन देन होता है और वो लेन देन बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे इधर हाल के सालों में आप देखें कि तुर्की और भारत के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो $12 बिलियन हो गए, यानी कि $12 बिलियन बहुत बड़ा ट्रेड होता है। जो अगर आप टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्की का जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है एशिया में, वो चाइना के बाद इंडिया हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें इंडिया को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ गई है। इंडिया में बहुत सारा इम्पोर्ट जो है वो टर्की से होकर आ रहा है, तो ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर एक आपसी सहमति बन रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में दोनों देश अगर इंगेज रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बार बार डायलॉग करते रहेंगे, तो जितने भी विवादित मुद्दे हैं जिन पर उनकी उनका एग्रीमेंट नहीं है उस पर एक सहमति बनने की पूरी पूरी संभावना है। पहले भी रह चुकी है और आइंदा भी होने में कोई 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 परेशानी की बात नहीं है। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि दोनों नेता आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और एक नई शुरुआत करना आसान है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी ईरान से है। 27 मई को ईरान और तालिबान के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी हुई। फायरिंग खत्म होने के बाद तीन तरह के दावे आए। तालिबान सरकार ने कहा दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति की मौत हुई, कई घायल हुए, सिचुएशन कंट्रोल में है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने लिखा ईरान के दो बॉर्डर गार्ड्स मारे गए, दो आम नागरिक घायल हैं। अर्ध सरकारी मीडिया संस्थान तेहरान टाइम्स ने लिखा गोलीबारी में ईरान के तीन सैनिकों की मौत हुई। ईरान और अफगानिस्तान के बीच झगड़े का लंबा इतिहास है। विवाद का एक बड़ा कारण हेलमंड नदी है। ये नदी हिंदू कुश की पहाड़ियों से निकलकर ईरान तक जाती है। 1940 और 1950 के दशक में अफगानिस्तान ने इस नदी पर दो बांध बनाए, इससे ईरान तक जाने वाले पानी का फ्लो कम हो गया। अफगानिस्तान कहता है नदी पर पूरा हक हमारा है, वहीं ईरान कहता है कुछ हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए।
इस विवाद को सुलझाने के लिए 1973 में दोनों देशों के बीच संधि हुई, लेकिन पानी के बहाव पर तकरार बनी रही। ईरान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान हेलमंड नदी का बहाव रोकने की कोशिश कर रहा है, इसके कारण हमारे यहाँ सूखा पड़ सकता है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अधिकतर देशों ने तालिबान सरकार के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर लिए, लेकिन ईरान बना रहा। दिसंबर 2021 में निमरुज बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, तब मामला संभल गया था, मगर हेलमंड नदी वाला विवाद बना रहा। ईरान के मौसम विभाग ने आशंका जताई कि इस बरस मुल्क का 97% हिस्सा सूखे की चपेट में आ सकता है। मई 2023 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बड़ा बयान सामने आया। बोले, तालिबान सरकार को 1973 वाली संधि का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पानी का बहाव कम करने की साजिश नहीं करनी चाहिए। तालिबान ने इस आरोप का खंडन किया। इसी तकरार के बीच 27 मई को बॉर्डर पर झड़प हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामला कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति देर तक कायम रहेगी ऐसा दावे से नहीं कहा जा सकता। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, ईरान और तालिबान बस कहने भर को पड़ोसी, उनके बीच कोई मेल नहीं है। ईरान शिया बहुल देश है, जबकि तालिबान इस्लाम की सुन्नी धारा को मानता है। दूसरी वजह हिंसक इतिहास से जुड़ी है। 1998 में तालिबान ने मजार शरीफ में ईरानी कौंसुलेट में 8 डिप्लोमैट्स और एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। बदले में ईरान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात कर दी। वे काबुल पर चढ़ाई करने का मन बना चुके थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। 9/11 के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका की मदद की थी, इस वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं करते। 2021 में अमेरिका के निकलने के बाद ईरान ने तालिबान के साथ अपने रिश्ते को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन इसमें बार बार कांटे उग ही आते हैं। आज की दूसरी अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ राजनीतिक संकट अभी तक जारी है। 29 मई को क्या क्या अपडेट्स आई, एक कर सभी को जान लेते हैं। 27 मई को इमरान ने सरकार से बातचीत के लिए एक टीम का ऐलान किया था। कहा गया ये टीम आम चुनाव की तारीख को लेकर सरकार से बातचीत करेगी, लेकिन सरकार ने इमरान की पहल को गंभीरता से नहीं लिया। वित्त मंत्री शागदान ने शर्त रख दी, बोले जब तक इमरान अपनी गलती मानकर मुल्क से माफ़ी नहीं मांगते कोई बातचीत नहीं होगी। 27 मई को इमरान सरकार में मंत्री रहे अली जैदी ने भी पीटीआई छोड़ दी, उन्होंने भी पुराने पैटर्न पर इस्तीफा दिया। 27 मई की देर रात गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि पीटीआई जेल में बंद महिला कार्यकर्ताओं का रेप कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पीटीआई ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। 28 मई को इमरान खान 9 मई की घटना की सुप्रीम कोर्ट से जाँच कराने की अपील की। इमरान आरोप लगाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने हिंसा भड़काई थी। पाकिस्तान संकट से जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।